नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। स्कूल के एग्जाम से लेके आपके जॉब के इंटरव्यू तक आपने कई बार ये एक्सक्यूज दिया होगा कि मुझे याद नहीं रहा या एन वक्त पर मैं भूल गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपनी मेमोरी को परफेक्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के दिए मेमोरी टेक्निक से। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ ये टेक्निक दुनिया को दिया, कई किताबें लिखी, बल्कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। तो आइए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से मुलाकात करते हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बताइए, आपने करियर की शुरुआत कब की और कैसे मेमोरी में काम करने की बात आपके जहन में आई? कॉलेज के दिनों में आई वॉज नोन एज एब्सेंट माइंडेड, स्कूल के टाइम पे भी भुलक्कड़ जिसे कहते हैं हिंदी में। और मुझे लगता था कि दो बच्चे हैं, दोनों एक ही जितना पढ़ाई करते हैं और एक फर्स्ट आता है एक फर्स्ट नहीं आता, तो टाइम तो एक ही जितना लगाते हैं, तो दोनों का दिमाग में फ़र्क है या दिमाग को यूज़ करने के तरीके में फ़र्क है। सो मैंने कई सारी किताबें पढ़ी स्टेट लाइब्रेरी वहाँ पर चंडीगढ़ में, आई बिकेम मेम्बर ऑफ दैट लाइब्रेरी फॉर दैट मैटर। बहुत सारी किताबें पढ़ी मेमोरी पे, माइंड पे, ब्रेन पे। देन आई रियलाइज इट इज़ लाइक ए कार। आप अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो ही एक कार को चला सकते हैं। कार का अपना अच्छा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली ब्रेन को कैसे ऑपरेट करना है, उसकी ट्रेनिंग अगर हम लें तो ब्रेन को बेटर यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम बींग एब्सेंट माइंडेड यूजिंग दोज टेक्निक विच आई रेड इन द बुक्स, आई बिकेम द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मेमोरी के मामले में आपने विदेश के कई लोगों को पीछे छोड़ दिया, तो कैसे हुआ ये सब, कितना प्रैक्टिस किया आपने? हाँ, इसमें जो मैंने जिसका रिकॉर्ड ब्रेक किया वो जर्मन की लेडी बुजवोल्डोवा, मिशाले बुजवोल्डोवा उनका नाम। तो उनका रिकॉर्ड 13 का था, मैंने उसको 14 किया। दैट्स व्हाट इज द रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड में ये ली मेरिटिन में किया हमने दिल्ली में, इस रिकॉर्ड को आयोजन किया गिनीज बुक में। और इस रिकॉर्ड में ये था कि एडिशनल स्ट्रेस तो था ही, क्योंकि रिकॉर्ड बन रहा है, बने कि नहीं बने, मीडिया थी पूरे, और मुझे ये भरोसा हो गया कि अगर मेरे जैसा भुलक्कड़ इंसान यहाँ तक पहुँच सकता है, फिर ये तो सिर्फ इट इज़ अबाउट ट्रेनिंग, नॉट द ब्रेन इटसेल्फ, इट इज़ हाउ यू ट्रेन द ब्रेन। डायनेमिक मेमोरी की शुरुआत कैसे हुई? किसी भी मशीन को ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए, ठीक है ना। ब्रेन भी कभी थकता है बाकी मशीन की तरह, उसकी भी सर्विसिंग चाहिए, उसकी भी ओवरऑलिंग चाहिए। सो दैट वाज अमेजिंग। एंड ऐसे बहुत कम लोग, या इंडिया में तो मैं पहला इंसान था जिस पे काम कर रहा था, तो बड़ा अच्छा था, अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी। यहाँ पर आए, जानते हैं किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की और डायनेमिक मेमोरी कैसे काम करता है। क्या आपने जो याद किया उसे भूल जाते हैं? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को भुलक्कड़ कहने से भी लोग परहेज नहीं करते। अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम न जाने कितनी बार डॉक्टरों से मिलते हैं, कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ ऐसे अचूक टेक्निक्स खोज निकाले हैं जिससे भूलने की बीमारी दूर हो सकती है, और इस टेक्निक को नाम दिया है डायनेमिक मेमोरी मेथड, जिससे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने 2 मिनट में 14 लोगों के नाम और जन्मतिथि को उसी सीरीज में सबसे तेजी से याद रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यही नहीं, दिल में छेद होने के बावजूद 1 मिनट में 138 पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 198 पुशअप्स का रिकॉर्ड भी बनाया। इनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व के प्रतिष्ठित किताब हुज हू इन द वर्ल्ड में कई जानी मानी हस्तियों के साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की 13 साल की उपलब्धियों को इस किताब में शामिल किया गया है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने मेमोरी लैब का आविष्कार कर याददाश्त को मजबूत बनाने के नुस्खों पर 25 से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं। इनके आविष्कारों में मेमोरी लैब के अलावा नेमोइक पेन, हैप्पीनेस मशीन और एनिमेटेड कॉस्मिक एनर्जी कार्ड है, जो डॉक्टर चौधरी का वर्ल्ड वाइड पेटेंट है। इसके अलावा डॉक्टर विश्वरूप ने दुनिया भर में करीब 5000 से ज्यादा सेमिनार किए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोगों को वर्कशॉप के जरिए फायदा पहुंचाया है। मेमोरी के अलावा इनके हेल्थ वर्कशॉप में कई टेक्निक्स शामिल हैं, जैसे स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक, डिस्कवर द डॉक्टर विदिन, माइंड कंट्रोल टेक्निक, हाउ टू डिसोसिएट अनवांटेड मेमोरीज,
क्योरिंग एब्सेंट माइंडेडनेस, न्यू साइंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन लिंक, इंटेलिजेंट फूड थ्योरी एंड बॉडी माइंड सोल कनेक्शन। डॉक्टर बिस्वरूप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक पोर्टेबल क्लिनिक भी चला रहे हैं, जिसके तहत वो लोगों के लिए एक ऐसा हेल्थ किट बनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित हर तरह की जानकारी, इलाज, डाइट प्लान शामिल होता है। डॉक्टर बिस्वरूप अपने काम को एक मुहिम का नाम देते हैं, जिसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों को अपने अंदर मौजूद डॉक्टर से मिलवाना है, ताकि हर कोई एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। डायनेमिक मेमोरी की शुरुआत के बाद कितने लोग आपसे जुड़े और कितना फायदा उन लोगों को हुआ है? लोग तो जुड़ते चले गए, क्योंकि ये एक नया फील्ड था, और मेमोरी तो एक ऐसा है जो हर एक को जरूरत है, कुछ लोगों को याद करने के लिए, कुछ लोगों को भूलने के लिए। यू वुड लाइक टू फॉरगेट अनवांटेड मेमोरीज। तो मेरा फील नॉट ओनली हाउ टू मेमोराइज, मेरा फील ये भी कि हाउ टू फॉरगेट अनवांटेड मेमोरीज। तो लोग जुड़ते चले गए, राइट फ्रॉम 8 साल के लोगों से लेकर 80 साल। कई स्टूडेंट्स के लिए भी आपने बुक्स लिखे कि साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे अपने मेमोरी को बढ़िया बनाए? हमने अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के बुक्स लिखे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मेमोरी एक स्विमिंग पूल की तरह है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आपकी हाइट कुछ भी हो, पानी तो सेम ही रहेगा ना। सिमिलरली लोग सोचते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेक्निक होना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली टेक्निक एक ही है, लेकिन लोगों के एक एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया, बट द प्रिंसिपल इज सेम। अगर मैं अपने पीछे 5 साल जाऊँ और कोई एक वाकया याद करना चाहती हूँ बिल्कुल उसी तरह से, उसी क्रम में, तो कैसे ये जो एसोसिएशन और इमेजिनेशन है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एसोसिएशन इमेजिनेशन क्या है कि जो आज आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली मेमोरी आगे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हम सबकी मेमोरी ऑटो मोड पे थी, टिल द टाइम यू आर नॉट नोइंग दिस टेक्निक। आज अगर आप ये दोनों टेक्निक सीखेंगे, एसोसिएशन इमेजिनेशन, आज की बात से अब वो ऑटो मोड से हटके आपके कमांड में होगी। तो 5 साल बाद आज से, राइट, 2020 में, मान लो 19 में आप सोचेंगे 2014 का वो इंसिडेंट रिकॉल करूं क्योंकि उसको अपने ढंग से स्टोर किया था, तो दैट विल बी पॉसिबल। ये जो टेक्निक आप आज लोगों को बता रहे हैं, क्या ये पहले से कहीं पर थी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी और आप उसे अब सामने लेकर आ रहे हैं? पहले से था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ये मेन स्ट्रीम में सिलेबस का पार्ट नहीं बना। आपको हैरानी होगी, क्लास फर्स्ट से लेके पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, एमबीबीएस तक, एमडी तक, इवन साइकेट्रिक के जो फील्ड है जिसे ब्रेन का फील्ड माना जाता है, ये टेक्निक कहीं भी नहीं है। तो ये साइंस तो है, लेकिन साइंस को सिलेबस में लाने वाला काम नहीं है ना, वो काम हुआ ही नहीं पूरा। मैं सीबीएसई के चेयरमैन से मिला, एनसीईआरटी के डायरेक्टर से मिला कि सिलेबस में लाओ। अभी हमारे बहुत कोशिश करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में लाए भी इन लास्ट 3-4 ईयर्स। तो जो चीज़ सिलेबस में नहीं होगी, वो उसकी रिसर्च हुई भी होगी तो भी आप तक नहीं पहुँचेगा, अनलेस कि आप उस रिसर्च तक खुद पहुँचें। कितने सफल हुए हैं आप इसे लोगों के बीच प्रचलित करने में, प्रसिद्ध करने में? अभी हर शहर में हमारे स्टूडेंट्स जो कि खुद इसको प्रचार कर रहे हैं, दे आर ए मेमोरी ट्रेनर, लेकिन इसमें सफर तो बहुत बाकी है। बिकॉज विदेशों से किस तरह का रिस्पांस है? अच्छा रिस्पांस है, हर महीने कोई ना कोई एक देश में हमारे कार्यक्रम होते हैं। इन दिनों आपने और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। जब मैं 4 साल का था, आई वाज बॉर्न विद अ होल इन माय हार्ट, मेरे दिल में छेद था। इस मेमोरी के फील्ड में आने के साथ साथ मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि ब्रेन के अंदर, आपको जानने के लिए हैरानी होगी, इस तरह के प्रोग्रामिंग है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को वो रिपेयर कर सकता है अगर वो प्रोग्रामिंग आपने ऑन कर दिया था। इसे कहते हैं कोलेटरल आर्टरीज, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आम आदमी तक नहीं पहुंचा। कुछ लोगों को पता है, कार्डियोलॉजिस्ट को पता होगा, डॉक्टर्स को पता होगा, थोड़े से लोग। तो मेरा तो नॉर्मली ऑटोमेटिकली आई केम इन दिस फील्ड बिकॉज माई ब्रेन के फील्ड में था। तो मैंने उन टेक्निक को अप्लाई किया, अपने हार्ट को ठीक किया। आई मेड सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट इज 198 पुशअप्स इन 1 मिनट, ये मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करते हुए किस तरह का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है आपका? हर साल WHO के अकॉर्डिंग 8 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द हेल्थ क्राइसिस, ठीक है ना। तो वो अमीर थे, लेकिन अपने बाईपास सर्जरी कराने के लिए, कीमोथेरेपी कराने के लिए 2 लाख रुपए अपने घर बार भेज देते हैं और गरीबी की लाइन के नीचे आ जाते हैं। जबकि अगर उनको वो टेक्निक बता दिया जाए, तो जो सोचता है कि मुझे तो अपना 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए घर बेचना पड़ रहा है, वो उसको अप्लाई कर लेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा।
अभी तक के सफर में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? चैलेंज ये कि मान लो कोई चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं जो और भी लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें चैलेंज ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश फील्ड है वो, आपको सिर्फ ये बताना है कि हम भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोई फील्ड ही नहीं है, जैसे मेमोरी ब्रेन, कोई फील्ड ही नहीं है। आज से अगर 1999 से पहले आप सुनेंगे तो मेमोरी तो कोई मानता नहीं था इम्प्रूव हो सकता है, या इसका भी कुछ रोल है। तो जो चीज़ वैक्यूम है वहाँ पर एस्टेब्लिश करना, दैट इज़ समथिंग डिफिकल्ट। मैं देख सकती हूँ एक बहुत ही एनर्जेटिक टीम आपके साथ काम करती है, कैसे डे का रूटीन क्या रहता है? शुरू होने का टाइम तो 9 o'clock ही है, और जाने का टाइम कितना है वो तो डिपेंड करता है कितना सारा काम है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इनटू रिसर्च वर्क, लाइक कोऑर्डिनेटिंग द पीपल ऑल अराउंड इन द नेशन एंड आउटसाइड द नेशन, और दैट्स हाउ इट इज़। ज़्यादातर ऐसे होते हैं, और हफ्ते में एक दिन हमारा OPD होता है जब पेशेंट आते हैं, वो सैटरडे का दिन होता है, वो 2 घंटे होता है। और देन देर आर सम डेज जब हम यहाँ क्लासेस रखते हैं या कुछ पार्टीज रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्पेशल पार्टीज, दैट इज़ ऑन हेल्दी लाइफ स्टाइल का, दैट इज़ व्हाट वी डू। कितने लोग हैं अगर इस ऑफिस में बात करें, कितने एम्प्लॉयज़ आपके अंडर में काम कर रहे हैं? इस सेटअप में जो है 25 हैं टोटल इन दिस सेटअप। और ज़्यादा रिसर्च में ये लोग लगे रहते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर इन रिसर्च, R&D में ही ज़्यादातर लोग हैं, उनका ज़्यादातर टाइम इसी में लगता है। कई पेशेंट्स यहाँ आते होंगे, सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या लेकर आते हैं पेशेंट? कॉमन प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई BP है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा है बच्चों में, जो आजकल डायबिटीज़ है, दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ जिस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। तो जी, आपका सबसे ज़्यादा काम संभालने में और सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने में किसका सहयोग है? पूरा टीम है, सबका अपना अपना काम है, सब पूरा टीम है। एंड देन माई पार्टनर या मेरी वाइफ नीरजा, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द कंपनी, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। नीरजा जी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि नीरजा जी खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आइए उनसे मिलते हैं। नीरजा जी साथ दे रही हैं विश्वरूप जी का। सर, आपने जिस तरह से बताया कि एक मुहिम के तहत आप काम कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे जो टेक्निक है मेमोरी का या फिर हेल्थ रिलेटेड भी, तो किस तरह से आप दोनों अपने काम को डिवाइड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर नीचे संभालती है, मार्केटिंग मैं संभालता हूँ, रिसर्च तो दोनों मिलकर करते हैं, सो दैट्स हाउ इट इज़ डिवाइडेड। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज, क्या टाइम टू टाइम आप उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं? या हमारा तो ऑन वीकली बेसिस ऑन एवरेज हमारी मीटिंग होती है, जिसपे डेवलपमेंट क्या हुआ, लोकली क्या हुआ, इंटरनेशनली क्या हुआ, वो अपडेट करते रहते हैं। नीरजा जी, आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके बारे में बताइए, कैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, इतने सारे शब्द कैसे कोई डिक्शनरी से याद कर सकता है? सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो एक हिंदी मीडियम स्कूलिंग हुई, और क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से थी तो ऑब्वियसली मेरी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो, और उसके लिए मैं ऐसे ही वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वोकैबुलरी को दूसरे लोगों मैं बहुत अच्छा कर लूँ, और इसके फिर मैंने डिक्शनरी याद करना शुरू किया। तो आई अप्लाइड सर्टन टेक्निक्स, वो टेक्निक लगा के जब मैं विजुलाइज करके जब मैं याद करती थी डिक्शनरी, तो 5 ही घंटे मैं रोज़ लगाती थी, और इस तरह से 6 महीने लगे मुझे पूरी ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी तैयार करने में। हेल्थ सेक्टर में भी आप काम कर रहे हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जो आपने सॉल्व किया है और ड्रास्टिक चेंज, बदलाव देखा है? डॉक्यूमेंट केसेस की बात करें तो अबाउट पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं, 1 साल में होंगे 5,000 के करीब होंगे इन लास्ट 1 ईयर का जो रिकॉर्ड है, सो दैट एज मेनी एज दैट जिनका डॉक्यूमेंट्री हमारे पास सारा कुछ लिखा जाता है। तो हम जो भी केस लेते हैं वी ट्राई टू कीप ए रिकॉर्ड, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या है, वी ट्राई टू हैव फॉलो पॉलिसी। आज कोई हेल्दी है ज़रूरी नहीं कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी हेल्दी रहे, बट वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना। तो जैसे हमें भूख लगती है रोज़, तो वैसे ही हमारा बॉडी का सिस्टम को भी डेली बेसिस पे वी हैव टू डू समथिंग टू कीप इट्स इम्यूनिटी 100% एंड कीप इट हेल्दी। सो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तो एज मेनी एज 5,000 पीपल इन लास्ट 1 ईयर। बिल्कुल, हम यहाँ आए तो हम भी यहाँ पर 2 ऐसे लोगों से मिले जिन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है इनके ट्रीटमेंट से। आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने लाभ उठाया। एक्चुअली आई वॉज ओबीज, तो क्योंकि फैट्स बहुत हो गए थे, उसके बाद वो मैंने खाया तो रॉ से एक तो ये फ़ायदा हुआ कि आपके फैट्स जो कंसनट्रेट होते हैं आपके बॉडी में तो वो नहीं होते, और पूरे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं, और प्रोसेस्ड फूड में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो इनकी बुक में सारा मेंशन है। और अगर मैं वो टैबलेट्स खाता स्लिम वाली, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो मेरे को पता है कि होने थे,
वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कि आप बहुत स्लिम तो हो जाओगे पर फिर साइड इफेक्ट्स और हैं दैट लीड्स टू कैंसर एट लास्ट। जब मैं डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी से मिली थी तब मेरा डायबिटीज जो है 300 के करीब था। जब मैंने इनके वो रॉ फूड खाए ना तो मुझे इतना अच्छा लगा अंदर से, उसी वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे में कुछ जान आ रही है, मेरी आँखें भी बिल्कुल मतलब आँखों से दिखना भी बंद हो गया था, तो गले में दर्द शुरू हो गई थी। धीरे 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 मुझे 5 महीने हो गए मैं इनके रॉ फूड पे चल रही हूँ, तो मैं आज कोई भी टेस्ट कर लो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मैं मेरे आँखों की रोशनी वापस आ गई है बिल्कुल, इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बिल्कुल साफ देख सकती हूँ, क्यों बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वाकई में ये जो रॉ फूड की बात यहाँ पर इन्होंने करी कि इससे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया इन्होंने या डायबिटीज़ में हेल्प हुआ, रॉ फूड के बारे में हमें कुछ बताइए। रॉ फूड जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो अक्सर बीमार पड़ता है, हम लोग 16,000 तरह से बीमार पड़ सकते हैं, 16,000 डिजीज है जो ह्यूमन को होता है जो बाकी एनिमल को नहीं होता। उसका एकमात्र कारण यह है कि इंसान जब खाना खाता है वो उसको जला देता है, भून देता है, पका देता है, और जब हम पक जाता है तो उसके अंदर एक लाइफ फोर्स होता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉ फूड एंड कुक फूड। तो एक सिंपल मैं टेक्निक बताता हूँ, मान लो कोई बीमार है, कितना भयंकर बीमारी हो, अगर कुछ दिनों के लिए एज मच एज 21 डेज टू 1 मंथ अगर वो रॉ में आ जाए, विद इन 1 मंथ हिज डिजीज पैटर्न रिवर्स्ड एंड एज मच एज 3 महीने में पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल हैं उसकी आयु 3 महीने की होती है, बीमार वाले की आयु 3 महीने की, और 3 महीने के बाद नए रेड ब्लड सेल आते हैं वो हेल्दी होते हैं, यूर अगेन हेल्दी। सो दैट इज़ व्हाट रॉ फूड डज। ये बताइए कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट करने से पहले आप इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, उनके अंदर क्या इंस्टिंक्ट देखते हैं और उसके बाद उन्हें सिलेक्ट करते हैं? कंटिन्यूस लर्निंग हैबिट कि कुछ नया चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है, R&D पे बेस्ड है, एक अनकन्वेंशनल सिस्टम जो पहले कभी नहीं हुआ, तो दैट इज़ वन थिंग, लर्निंग हर स्टेज में लर्निंग। आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास मेहमान, आज की खास शख्सियत हैं डॉक्टर बिश्वरूप रॉय चौधरी और उनकी पत्नी निर्जा रॉय चौधरी भी हमारे साथ हैं, हम उनके घर पे आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर साहब आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान भी मुझे नजर आ रहा है, इसका क्या नाम रखा है आपने? आईवी, इसका नाम आईवी है। एक दूसरे को जीवन साथी के तौर पर चुनने का फैसला वो घड़ी कैसे आई? हम लोग एक साथ काम करते थे, हमारे इंटरेस्ट बहुत सिमिलर थे, सोचने का तरीका बहुत सिमिलर था जी, और पहले तो सोचा नहीं था कि हम लोग शादी करेंगे, बस काम ही करते थे। फिर 2005 में लगा कि हम लोग अगर लंबे समय तक हमेशा के लिए जुड़ के रहना है तो फिर बेटर है कि दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन कि हम शादी कर लें, क्योंकि मेरे घर से भी बहुत प्रेशर था कि मैं शादी करूँ जी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपनी शादी करनी है, और फिर हमको भी ऐसे ही लगा, फिर वी गॉट मैरिड इन 2005 में। जब एक जगह पहुंचते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है, या लोग आप दोनों को बतौर पति पत्नी के तौर पे लेते हैं या फिर अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोगों की तरह? हमारे बिहेवियर से कहीं लगता नहीं कि हम पति पत्नी होंगे, ठीक है ना, तो वी आर मोर लाइक अ ट्रेनर्स एंड अ पार्टनर्स, एटलीस्ट व्हेन वी आर इन द ऑन द स्टेज और व्हेन वी आर परफॉर्मिंग। आपके छोटे भाई, उनके नाम पे भी शायद कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनके बारे में बताइए। उसने सबसे ज्यादा अंडे तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था अपने सिर से, उसने 1 मिनट में 138 अंडे ब्रेक किए थे। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से अच्छा है, कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव भावना तो लाता ही है इंसान के अंदर, और क्यों ये ज़रूरी है हमारे भारतीय समाज में? मतलब ये कि हर एक के अंदर होना टैलेंट स्किल होता ही है, लेकिन उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं कई सारी चीज़ और भी कर सकता हूँ, एंड देन ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड अदर पीपल अक्रॉस आसपास की सोसाइटी, लोग ज़्यादा पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी कोई और चीज़ करने की बढ़ जाती है। तो और जहाँ तक देश का सवाल है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, इंडिया में किसी भी एक दिन सबसे ज़्यादा लोग रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। स्कूल डेज कैसे थे आपके? डैड एयरफोर्स रिटायर्ड हुए, तो दैट्स व्हाई आई हैव बीन अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग जगह से पढ़ाई हुई है, पूना में पढ़ाई हुई है, चंडीगढ़ में हुई है, कानपुर में हुई है,
केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की है, कॉलेज मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है, तो मैं कभी बंगाल में खास रहा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था वहाँ वहाँ रहता था जी। सो अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर, अलग अलग तरह के लोगों को देखने का मौका मिला थ्रू आउट द लाइफ, राइट। सो दैट बिकेम एन एडवांटेज कि हर तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे मिला जो नॉर्मली किसी कम बच्चों को मिलता होगा, अदर देन दोज जो कि आर्मी बैकग्राउंड के साथ जुड़े होंगे जहाँ ट्रांसफर जॉब होता है। तो कई सारे स्कूल देखे, कई सारे तरह के लोग देखे, तो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब मैं सोचता हूँ कि जहाँ भी मैं आज हूँ उसमें वो सारे एक्सपीरियंस का जो कलेक्शन है उसका काफ़ी सारा प्रभाव है। टीचर्स को आज आपकी जो ये सफलता है वो कैसे देखते हैं, कभी उनसे मिलना हुआ, क्या उनका रिएक्शन था आपसे मिलके? उन्हें थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है शुरू में, बिकॉज वो तो मुझे एज ए एवरेज स्टूडेंट और समटाइम भुलक्कड़ स्टूडेंट के हिसाब से जानते थे, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन दे आर एबल टू बिलीव जब वो मेरे सेमिनार में आते थे या मेरे बारे में पढ़ते थे। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स टू द एक्सटेंट इवन दे वॉन्टेड टू लर्न फ्रॉम मी, और इवन मेरे वर्कशॉप में वो स्टूडेंट बने, तो ये तो मेरे लिए बड़ा ही गर्व की बात है कि मेरे जो टीचर रहे वो मेरे स्टूडेंट बने और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। ये बताइए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो बनाने का एक जज्बा आप लोगों के अंदर था और आपने उसे पा लिया, क्या अभी भी वो दिल में है कहीं कि कुछ और भी करना है और उस पर कुछ काम चल रहा है? फोकस अभी हमारा रहा देन मेकिंग रिकॉर्ड फॉर आर सेल्फ, वो तो बना ही लिया है तो वो और भी बना सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, वी टू प्रैक्टिस लगता है, तो राज ने इसमें कि हम अपने को और ज़्यादा स्किलफुल बनाने में लगाएं, हम लोगों की तरफ भी ज़्यादा ध्यान है, तो उनके स्टूडेंट्स की तरह आज की जो जनरेशन उन पर ज़्यादा ध्यान है इस वक्त। नेचर जी, आप इनका काम में भी साथ देती हैं, घर की चीज़ें उसमें कितनी शेयरिंग है आप लोगों की? जितने दिन ये रहते हैं घर में इनका ये शेयरिंग करते हैं, जो घर के काम में मुझे हेल्प करते हैं, सुबह जिम जाते हैं तो जो मार्केट से कुछ सामान लाना होता है तो साथ में ले आते हैं, और जूस हमारे लाइफ में जिस दिन की जो शुरुआत होती है तो हमारी जूस से शुरू होती है, जिस लोगों की चाय से शुरू होती है तो जूस बिशोप भी बनाते हैं जब भी ये यहाँ पे होते हैं, इवनिंग में जब आएंगे तो तब भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और तो किचन में या ऐसे मेरी हेल्प करते हैं, तो शेयरिंग रहती है, बस ज़्यादा घर में रहते नहीं हैं, जितनी देर रहते हैं उतनी देर जो थोड़ा बहुत हो सकता है करते हैं। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है और इनकी भी बताइए। हाँ, हॉबी के तौर पे जो मेरा है विश्व की तो फेवरेट हॉबी है मूवी देखना, मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन जो मेरी फेवरेट हॉबी है वो है मुझे लगता है कि थोड़ा अगर खाली टाइम है तो थोड़ा टीवी देखा या कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ी या कहीं आसपास पिकनिक के लिए चले गए जहाँ पे थोड़ा कूल हो, मतलब बहुत शोर ना हो। मैंने एक मूवी बनाई है। हाँ हाँ, मुझे पता है उस फिल्म के बारे में, मेमोरी की ही बात भी है उसमें, उस फिल्म के बारे में कैसे सोचा आपने? हाँ, तो एक इच्छा थी कि मैं, मुझे लगता था कि मेरे दोस्त बोलते थे यार तू हीरो बन सकता है और वो मूवी में ये हुआ कि मैं हीरो बना तो मूवी फ्लॉप भी हो गई, तो दैट इज हाउ इट इज मूवी देखने का मेरा इंटरेस्ट भी तब से आया, मैंने सोचा कि कोई कितना भी बुरा मूवी बनाए मेहनत तो बहुत लगती है उसमें, इसलिए मैंने फैसला किया कि हर हफ्ते मैं एक मूवी जरूर देखूंगा जो लोगों ने बनाई होगी, ताकि एटलीस्ट मेरी सहानुभूति उनकी तरफ है। सो मूवी के बारे में मैं यही बोल सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप आखिर में हमारे शो के आखिर में हमारे दर्शकों से कुछ ऐसी बातें कहें जिससे वो आपसे प्रेरणा ले सकें, और अगर किसी भी सपने को पूरा करने के लिए वो लगे हुए हैं तो उन्हें ढेर सारी ऊर्जा मिले आपकी बातों से। तो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो भी आप इमेजिन करते हैं आप ऐसा बन जाते हैं अपने आप ही संभव। सो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने भविष्य को इमेजिन कीजिए और वो जरूर पूरा होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, पूरा दिन हमने आपके साथ बिताया और हर पल कोई ना कोई अच्छी बात और नई बात हमने सीखी। हमारे साथ हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने मेमोरी टेक्निक्स दिए, साथ ही कई किताबें लिखी हैं जिससे आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी शख्सियतों से मिलकर आप भी जीने को एक नई दिशा देंगे, एक मकसद देंगे। इसी सोच के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए रूबरू। नमस्कार। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें rubaroo@sadhnanews.net।